नमस्कार दोस्तों, हरदा में जो 6 फरवरी को ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर यहाँ पर सर्व समाज के प्रतिनिधि के रूप में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अमनी बंसल पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। प्रशासन है कि पीड़ितों की मांग को मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी इंदौर आए और उनसे मिलने के लिए पीड़ितों का प्रतिनिधिमंडल को लेकर एडवोकेट अवनी बंसल इंदौर पहुंची। क्या कहा राहुल जी ने ये वीडियो में आप देख सकते हैं। नमस्कार। आज हम सभी लोग राहुल गांधी जी से मिले और उनको हमने अपनी जो भी उचित मांगे थी वो हमने उनको बताई और उन्होंने हमें कहा कि जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सकेगा हमारी मांगों को पूरे करने का प्रयास करेंगे और पूरी करवाएंगे, जल्द से हमारा उचित मुआवजा हमको दिलवाएंगे। हाँ, आज हम राहुल गांधी से मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दे दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। बताया कि हाथ में चोट है, उसके मौजा वांजे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 5,000 रुपये मिले इतना बताया उनको। साथियों, आज हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंगोरी आए हैं जहाँ पे राहुल गांधी जी थे और पूरे हरदा से डेलीगेशन में ना सिर्फ पीड़ित परिवार की महिलाएं आई लेकिन कांग्रेस से हेमंत टाले जी, मोहन साई जी, गोविंद व्यास जी और सिद्धार्थ बिश्नोई, हम सभी लोगों का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर आया और हमने अपनी मांग रखी। हमने बताया कि हम 13 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और राहुल गांधी जी ने ये हमें आश्वासन दिलाया कि वो हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथ में है और जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा मिले इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इसके लिए डायरेक्शंस भी दिया और जो भी आगे होता है वो हमारे सामने जल्द से जल्द आएगा। धन्यवाद। ब्लास्ट मामले में एक महीना पूरा पीड़ित परिवारों ने राहुल गांधी से की मुलाकात। पिछले महीने 6 फरवरी को हरदा में राजेश अग्रवाल और सुमेश अग्रवाल की बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग काम करते थे। ब्लास्ट से 14 लोग मृत और सैकड़ों लोग घायल हुए। कई लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मृत लोगों में से कुछ ही परिवार को मुआवजा दिया गया, वहीं घायलों में सभी साथियों को आर्थिक मदद नहीं मिली। ब्लास्ट पीड़ितों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद मिले, इन्हीं मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अमनी बंसल